हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस ब्लाउज पीस से डिज़ाइनर ब्लाउज बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अस्तर का कटिंग करेंगे, उसके बाद मेन फैब्रिक का कटिंग करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों का कटिंग कर लिए हैं। इसका हम लंबाई रख रहे हैं 15 इंच, हमें 14 इंच तैयार चाहिए। और यहाँ पर शोल्डर रख रहे हैं हम 5.5 इंच, और हम आर्म होल भी सेम रखे हैं। यहाँ पे हम 32 चेस्ट का बना रहे हैं, तो हम 8 इंच रखे हैं और 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखे हैं सिलाई मार्जिन। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे ऐसा रख के पूरा पे स्टिच कर लेंगे। अब हम यहाँ पे नेक को बनाएंगे, तो इसके लिए हम इसका चौड़ाई रखे हैं 5.5 इंच और 10.5 इंच हम इसका लंबाई रखे हैं। तो यहाँ पे हम 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब हम यहाँ पे 8.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस साइड हम 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। अब हम दोनों निशान को मिला देंगे। अब हम नेक को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से हम नेक को बना रहे हैं। नीचे हम 1 इंच पे एक निशान लगाएंगे। और हमें पूरे पे 1 इंच पे मार्क करते जाना है और इसे मिला देना है। हम इसका कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा नेक बन गया है। तो देखिए, कुछ इस तरह से हमारा नेक बन गया है। अब हम इससे अस्तर पे नेक को चिपका लिए हैं, आयरन कर लिए हैं। और हम ब्लाउज का सीधी साइड और इसका भी सीधी साइड हम आपस में रखेंगे, और बीच में हम एक बड़ी सिलाई दे देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एकदम साइड से स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमें बिल्कुल ही साइड पे स्टिच करते जाना है। कुछ इस तरह से हम यहाँ स्टिच कर लेंगे। अब हम इसे काट के निकाल देंगे। और यहाँ पे हम छोटा छोटा कट लगा लेंगे, इससे हमारा नेक सुंदर सा बैठेगा। अब हम इसको पलटेंगे। तो इसके पहले हम यहाँ पे साइड पे स्टिच कर लेंगे जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है उसे। तो इस तरह से आपको भी यहाँ पे स्टिच कर लेनी है। तो देखिए, ये हमारा स्टिच हो गया है। अब हम इसे पलट लेंगे। तो पलटने के पहले आप इस तरह से कर ले तो आपका नेक सुंदर सा बैठेगा। अब हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। इसी तरह हमें पूरा नेक पे स्टिच कर लेनी है। तो देखिए, ये मेरा स्टिच हो गया है। अब हम इस साइड पे 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहाँ से हमें मिला देना है यहाँ तक। अब हम इसे सेम इस साइड को भी करेंगे। तो देखिए, ये इस साइड पे भी हमारा हो गया है।
यहाँ पे हम दांत को स्टिच कर लेंगे। अब हम यहाँ पे 2.5 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ी एक कपड़ा लिए हैं। अब हम इससे डिजाइन बनाएंगे, तो कुछ इस तरह से आपको मोड़ना है दोनों साइड से और इससे आपको स्टिच करते जाना है। पहले हम बीच से मोड़ेंगे और दोनों साइड से लेके हम इसे मोड़ेंगे एक पान जैसा, और अब हम इसे स्टिच करेंगे। तो इस तरह से आपको सारा में बना लेना है। अब हम एक एक करके रखते जाएंगे और इसको यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो हमें यहाँ पे इसी तरह से स्टिच करते जाना है। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ स्टिच करना है। अब हम इस पट्टी को लेंगे और एक साइड में हमें इसे पहले स्टिच कर लेना है पूरा में। तो देखिए स्टिच हो गया है मेरा पूरा। अब हम यहाँ पे चून बनाएंगे, इसी से हम अपने ब्लाउज पे डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से आपको चून बनाना है। इस तरह आपको पूरा में बना लेना है। तो देखिए ये हमारा पूरा बन गया है। अब हम नीचे पे एक गोल निशान लगाएंगे और यहाँ पे हमें रख के इसको स्टिच करना है। तो देखिए आपको इस साइड पे थोड़ा सा मोड़ना है, उसके बाद आपको यहाँ स्टिच करते जाना है।
हम यहाँ पे लेस को लगाएंगे। इससे हमारा ब्लाउज का लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से आपको पूरा में इस लेस को लगा लेना है। इसी तरह से आपको पूरा में इस लेस को लगाना है कुछ इस तरह से। अब हमें ऊपर की ओर से भी लेस को पूरा में लगा लेना है। तो देखिए हम पूरा में लगा लिए हैं। अब हम नीचे पे कमर पट्टी लगाएंगे। अब हम यहाँ पे मोती डालेंगे। इससे हमारा ब्लाउज का लुक बहुत खूबसूरत आएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से आपको मोती अटैच करना है इसमें। तो ये हो गया हमारा ब्लाउज का फाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत।